आई नो वैसे तो आप 21st सेंचुरी में रहते हो, नज़र लगना बुरी नज़र इन सब बातों पर यकीन नहीं करते होगे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से BTS नाम का जो फैंडम बुरी कंट्रोवर्सी से गुजर रहा है उसके बाद तो यही लगता है कि हमारे फैंडम को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि बांगदन बॉयज़ एक के बाद एक बुरी न्यूज़ में कंट्रोवर्सीज़ में फंसते ही जा रहे हैं। अब देखो ना, 2 दिन पहले से ही फैंस का बुरा हाल था जब से ये न्यूज़ आई कि वी और बिगिट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वी की वीडियोज़ को बिगिट ने डिलीट करा दिया है। फैंस इन सारी बुरी न्यूज़ से उबर नहीं पाए थे कि अब एक और दिल दहला देने वाली शॉकिंग न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा कि BTS मेंबर वी ने कंपनी के साथ यानी बिगिट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है वी कंपनी में BTS में नहीं रहना चाहते और BTS डिसबैंड हो जाएगा, उसके अंदर सिर्फ 6 मेंबर्स बचेंगे। फैंस के लिए बहुत शॉकिंग और दिल दहला देने वाला है। चलो, नहीं पता ये सारी कहानी स्टार्ट हुई 2 दिन पहले, जब अचानक से बहुत सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे कि BTS मेंबर वी ने कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है और वी ने कंपनी के सामने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए एक बहुत खतरनाक डिमांड रखी है। जिस तरह ब्लैकपिंक मेंबर्स ने अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जब तक ग्रुप एक्टिविटीज़ होगी तब तक वो एक साथ रहेंगी और जब जब उन्हें अपना सोलो प्रोजेक्ट, अपनी कोई सोलो एल्बम या सॉन्ग रिलीज़ करना होगा तो वो अपने खुद की लेवल के अंडर उसे रिलीज़ करेंगी, वैसा ही कुछ वी ने भी अपनी कंपनी के सामने ऑफर रखा है कि जब जब उन्हें सोलो प्रोजेक्ट रिलीज़ करने होंगे तो वो उसे अपनी कंपनी या फिर कहीं और रिलीज़ करेंगे, बिगिट के साथ नहीं, क्योंकि वी को लगता है कि बिगिट उन्हें सोलो करियर में उतना सपोर्ट नहीं कर रही जितना बाकी BTS मेंबर्स को कर रही है। हालांकि आदमी इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जहां तक है ये रूमर्स फेक माने जा रहे हैं, क्योंकि वी और बाकी मेंबर्स ऑलरेडी मिलिट्री जाने से पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं और इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चेंज हो सकता है। बाकी हो सकता है ये हेटर्स का प्लान हो वी को डिफेम करने का और उनकी कंपनी के बीच और वी के बीच लड़ाई कराने का। अब देखना यह है बिगिट इस पर क्या कहती है, लेकिन तब तक आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।